मैडम जी यार दोनों मेरे जी बहुत थप्पड़ मारे उन्होंने, दोनों ने गाली नहीं, कोई मार पिटाई नहीं हुई जी। तो ये लगता है कि ये लड़का सही कह रहा है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। तारे कैसे कमीनों ने तो ये काम कर रखा है। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जुलाना के थाने में और यहाँ पर पंचायत चलोई है और साथ में मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि। उनसे जानेंगे भाई क्या मामला है, किस चीज़ को लेकर आज जुलाना थाने में ये पंचायत बुलाई गई है, आइए जानते हैं। हाँ। तो वहाँ पे मैडम जी उसका घर वाला है, दोनों जने जी। हाँ। तो न ले यहाँ क्यों खड़ा है माँ जी धरने के लिए। मैं फिर वो मैडम जी बोली फिर घर क्यों नहीं जाते। मैं जी धरना खत्म हो गया है, वो मास्टर जी वाले कौन हो तुम। मैं जी धानक हूँ। तारे कैसे कमीनों ने तो ये काम कर रखा है। तो मैडम जी यार दोनों मेरे जी बहुत थप्पड़ मारे उन्होंने, दोनों ने गाली गलौज करी जी बहुत। मैंने फिर भी ये कही मैम आप टीचर हो यहाँ के, मैं कुछ नहीं बोला जी। वो थप्पड़ मारते गए दोनों, गाली गलौज बंदे गए। मेरे को आज इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर सकता हूँ। मेरे को इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट से भी। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को इंसाफ मिला। क्या नाम है कौन से गाँव? मेरा गाँव बूटा खेड़ा लाठर है जी, शुभ नाम संदीप है जी। भाई साहब के मामला था, किस लिए इकट्ठे हो गए? ब्लॉक ऑफिसर का फोन आ गया था, डीओ साहब का, डीओ साहब का और प्रिंसिपल साहब का। भाई पूरा हरियाणा का सर्वे हो चुका, प्रिंसिपलों का आपका कुछ कहीं नहीं जाएगा। प्रिंसिपल साहब और सारा स्टाफ वहाँ आ गए, वहाँ आ गए तो हमने धरना समाप्त कर दिया। तो कोई का लेटर दिखा दिया कि धरना हमने समाप्त कर दिया। आप जो सामान सामान खान लगे अपना जो भी मेरा मिस्तरा अपना वो उठाओ और भाई चलो। तो यू बाहर खड़ा था, बाहर था तो वो जो मैडम है ना एक सुमन होगा उसके घरवाला है शायद नवीन कादन है, तो उसने इसके वहाँ मार पिटाई करी है। मार पिटाई करी तो हमने भी इतने बेरा पटिया बनी उसको मारना है एक बार जब आपने कहा थाना में इसकी अप्लीकेशन दिए। पूरा गांव आया हुआ है साथ में इसके, तो इस चीज़ का इंसान मिला। क्या नाम है? अजय जी। क्या मामला है? गांव की पंचायत आई हुई थी अभी थाने में, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं जी, कल जो जैसे दो दिन से स्कूल में जो तालाबंदी चल रही थी उसमें कल मैडम के साथ गांव वालों ने एक एक्स जो सरपंच प्रतिनिधि हैं अजय कुमार जी उन्होंने और कुछ गांव वाले शरारती तत्वों ने जो है ना मिसबिहेव करा था, अभद्र व्यवहार करा था उनके साथ। तो फिर मैडम डरी हुई थी, ये वो बोलिए कि भाई कल ये कह रहे थे तेरी चोटी पाट देंगे तने ठाक फेंक देंगे, तो ये बोली जी मन डर लग गया है कदे कुछ वह कर दें तो आप मेरे साथ चलो, मैंने छोड़ आओ ठीक है। तो मैं इनके साथ आ गया। उसके बाद जो है ना वो मामला कल वाला जो था वो गांव ने आपस में जो है ना वो सुलट गया था जी। उसके बाद इन्होंने ये जो है ना गलत इशू बनाया मेरे प्रति, जो है ना इन्होंने FIR दर्ज कराने की धमकी दी दोनों के प्रति कि भैया आपके ऊपर SC ST एक्ट लगवा देंगे हम जी। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि जी हमने ना तो कुछ गलत कराया है, फिर भी अगर आप ये चाहो कि भैया हम करवाएंगे तो आप करवा लो जी आपकी मर्जी। तो उन्होंने जो है ना झूठा एक लड़का तैयार किया, उससे बयान दिलवा दिए कि भाई इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी वो करी, जबकि मैंने वो लड़का देखा नहीं, ना कोई उसका गवाह ठीक है ना कोई वो कभी तो कह रहे हैं कि भाई हमने उसकी वीडियो है हमारे पास कैमरे में आ रहा है, स्कूल के कैमरे में आ रहा है। तो जी अगर कैमरे में आ रहा है तो उस वो तथ्य सामने रख दो। और फिर भी मैंने गाँव वालों से यही कहा कि भाई मैंने इस लड़के के साथ ईश्वर को साक्षी मान के मैं ये कहता हूँ गांव के समक्ष कि भाई अगर इस लड़के के साथ मैंने कोई हाथापाई नहीं करी है मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता, फिर भी गांव ये लगता है कि ये लड़का सही कह रहा है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ जी। जी तो आज पंचायत हुई थी, इसमें क्या फैसला अभी अभी पंचायत में? कोई फैसला नहीं हुआ जी। पंचायत ये कह रही है कि आप ये स्वीकार करो कि आपने इस लड़के के साथ गाली गलौज कराया है, जाति सूचक शब्द कहे हैं और उस चीज़ को मैंने मना कर दिया, जो मैंने कहा ही नहीं करा ही नहीं उसको मैं जो है ना स्वीकार नहीं करूँगा। अगर गांव वालों को फिर भी लगता है कि मैं गलत हूँ तो भाई गांव जो निर्णय लेगा वो मैं मान्य होगा मुझे। किसी तरह की मार पिटाई नहीं हुई? नहीं कोई मार पिटाई नहीं हुई जी।